हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है कि गोबाई रोंग रोंग के घर पहुंचता है उसे मिलने के लिए, और वहां पे वो देख के काफी शॉक्ड हो जाता है कि उसका भी सामान सारा उसके घर पे पड़ा हुआ होता है। तो वो अपना सामान चेक करते हुए उसे पूछता है कि आखिर मेरे ये सामान यहाँ पे क्या कर रहा है। तो रोंग रोंग उसे बताती है कि ओह, मैं तो तुम्हें बताना भूल ही गई, आज से तुम यहीं पे रहोगे मेरे घर में। एक्चुअली मैं मेरे डैड ने तुम्हारे डैड से बात कर ली है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर हम लिव इन में रहें तो, और इसी के साथ साथ हम साथ में रहेंगे तो हमारी शादी के लिए भी हम अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इस पे बेचारा गुबई उसे कहता है कि हाँ, मैंने शादी के लिए हाँ तो कर दिया है पर अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। तो इस पे रोंग रोंग उसे कहती है कि अब तुम्हें टाइम क्यों चाहिए। और यहाँ पे वो बेचारी गुबई को एक और झटका देते हुए बताती है कि मैंने अपने असिस्टेंट से बात कर ली है और हमारी शादी कल है। ये सुन के तो गुबई की रूह कांप जाती है और वो रोंग रोंग से कहता है कि पर मैं अभी प्रिपेयर नहीं हूँ शादी के लिए। तो वो उससे रीजन पूछते है कि आखिर तुम प्रिपेयर क्यों नहीं हो, और ये पूछते हुए वो अपनी कॉफी की एक सिप लेती है। इस पे गुबई उससे कहता है कि अभी मैं काफी छोटा हूँ शादी करने के लिए, और ये बात सुन के रोंग रोंग की कॉफी गले में ही अटक जाती है और वो खांसने लगती है। ये सुनते ही वो उसे घूर कर देखती है और उसे धक्का मार के उसके रूम तक पहुंचाती है और उससे कहती है, जब तक तुम बड़े नहीं हो जाते हो इस रूम से बिल्कुल भी मत निकलना, और मेरे रूम में तो एंटर करने की कोशिश भी मत करना। ये सुन के गुबई उसे कहता है कि कम ऑन, मैं एक वीक में बड़ा हो जाऊंगा। तो इस पे रोंग रोंग जो कि 28 साल की होती है अभी, उसे कहती है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं पिछले 10 साल से अडल्ट हूँ और इतने सालों से मैं अपने आप को काम में बिजी रखी थी एक ऐसे बंदे के लिए जो कि इतना छोटा है कि वो शादी भी नहीं कर सकता है मुझसे। इस पे गुबई उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे 5 साल ही छोटा हूँ। तो इस पे रोंग रोंग चिड़का कहती है कि पता है तुम्हारी एज में मैंने जॉब भी ले ली थी और मैंने कॉलेज भी कम्प्लीट कर लिया था, और तुम हो कि अभी तक कॉलेज पे ही अटके हो। और ये कहने के बाद वो डोर बंद करती है और वहां से चली जाती है ये कह के कि मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ये सब काफी डरावना होते जा रहा है। तो उसके जाने के बाद गुबई कहता है कि कम ऑन, मैं एक छोटा बच्चा नहीं हूँ। फिर शीन शिफ्ट होता है एक क्लब में जहाँ पे हमें शिचैन को दिखाया जाता है जो कि पूल खेल रहा होता है। यहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे गुबई के बारे में बताता है और बताता है कि रोंग रोंग जिसे शादी करने वाली है वो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है, और उससे पूछता है कि क्या आपको टेंशन नहीं हो रही अपनी पोजीशन को लेके कंपनी में। फिर इतने में ही हमें वहाँ पे जिंग जिंग को दिखाया जाता है जो कि गुबई की फ्रेंड होती है और जिसने गुबई से अपना लैपटॉप सुधरवाया था। वो इस क्लब में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और स्टिक्स लेके वहां से जा रही होती है। तभी वो जाते हुए जिचैन के असिस्टेंट से भिड़ जाती है और वो उसे तुरंत ही पहचान जाता है कि ये हमारी कंपनी में इंटर्न है। पर जैसे ही वो वहां से मुड़ती है तो उसकी स्टिक्स शिचैन के मुंह पे लगती है, और यहाँ पे जिंग जिंग सॉरी कहने के लिए उसकी तरफ पलटती है तो वो और शॉक्ड हो जाती है उसे देख के, और काफी घबरा जाती है क्योंकि वो उसका बॉस होता है। और फिर वो दोबारा पलट के असिस्टेंट की तरफ देखती है कि क्या वो सच में इन लोगों से भिड़ गई है। तो दोबारा से स्टिक्स शिनचैन के मुंह पे लगती है। तो जिंग जिंग वहां से भागने की कोशिश करती है पर असिस्टेंट उसे रोक लेता है, और जिचैन उसे पूछता है कि आखिर ये लड़की है कौन। तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि हमारी कंपनी में इंटर्न के तौर पर काम करती है। ये सब सुनने के बावजूद जिंग जिंग ऐसे बिहेव करती है कि वो जिंग जिंग है ही नहीं, और वहीं पे स्टिक्स पटक कर दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा के वहां से भाग जाती है ये कहकर कि मैं जिंग जिंग नहीं हूँ। फिर यहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रोंग रोंग अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और उसे कहती है कि डैड को पता नहीं चलना चाहिए कि गुबई अभी तक 22 साल का नहीं हुआ है, और उसे कोई अच्छा सा बहाना बनाने के लिए कहती है अपने डैड के लिए क्योंकि वो दोनों अभी शादी के पहले लिव इन में रहने वाले हैं। तो इस पे उसका असिस्टेंट कहता है कि मैं मिस्टर जिन से कह दूंगा कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहते हैं इसलिए लिव इन में रह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गुबई अपने रूम से शर्ट पहनते हुए बाहर निकलता है और रोंग रोंग उसे इस कंडीशन में देख लेती है। तो वो उसे चिल्ला के कहती है कि जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ, और फिर उसके पास जाती है और उसकी शर्ट नीचे करती है और कहती है कि जब हम दूसरे के घर में रहते हैं तो हमें पूरा ड्रेसअप होके बाहर निकलना चाहिए, और वो मुस्कुरा के उसकी तरफ देखने लगती है। तो गुबई उसका हाथ झटकाता है और उसे कहता है कि ठीक है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग का असिस्टेंट उसके डैड से मिलता है और उसके डैड पूछते हैं कि तो तुम उसे क्या बताना चाहते हो। तो वो उन्हें बताता है कि वो दोनों लिव इन में रहने वाले हैं क्योंकि वो एक दूसरे को जानना चाहते हैं। और फिर यहाँ पे वो रोंग रोंग के बारे में कुछ और बातें भी उसके डैड से करता है और उन्हें बताता है कि उसे नहीं लगता है कि उनका ये लव थोड़ा नॉर्मल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि रोंग रोंग का प्यार एक तरफा है और गुबई उसे प्यार नहीं करता है। तो इस पे मिस्टर जिन उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि वो उससे प्यार नहीं करता है।
एक्चुअली मैं इन फोटोज में गुबई उसे सैंडल पहना रहा होता है, और ये फोटोज देख के मिस्टर जिन अंदाजा लगा लेते हैं कि वो भी रोंग रोंग से प्यार करता है। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें रोंग रोंग को दिखाया जाता है जो कि कैलकुलेट कर रही होती है सारे ईयर्स को जितने सालों से गुबई पढ़ाई कर रहा है, और वो इस कंक्लूजन पे पहुँचती है कि वो अभी प्रेजेंट में 23 ईयर्स का हुआ है, यानी कि वो मैरिज कर सकता है। और उसे लगता है कि गुबई ने उसे झूठ बोला है कि वो 22 ईयर्स का है, क्योंकि शायद उसे रिग्रेट हो रहा है कि उसने शादी के लिए हाँ कह दिया। इसके बाद वो गुबई के रूम में जाती है सबूत ढूंढने के लिए कि वो 22 साल का नहीं बल्कि 23 साल का है और शादी करने के लिए एलिजिबल है। फिर यहाँ पे वो उसकी चीजें चेक करने लगती है और तभी वो देखती है उसका पर्स जिसमें काफी कम पैसे होते हैं, और उसे ये देख के काफी ज्यादा बुरा लगता है, और वो उसका मोबाइल स्कैन करके उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से गुबई के मोबाइल में वॉइस मेल आता है और वो सुन के शायद वो जाग जाता है, पर वो ऐसा प्रटेंड करता है कि वो सो ही रहा है। इसके बाद रोंग रोंग उसके पिलो के नीचे चेक करती है कि क्या उसने कुछ छुपाया है, फिर वो उसके पॉकेट्स चेक करने लगती है, और गुबई उसकी सारी हरकतें नोटिस कर रहा होता है और एकदम से पलट के कहता है कि आखिर तुम दूर क्या रही हो, और रोंग रोंग चुपचाप वहाँ पे लेटी हुई उसे देखने लगती है। फिर इसके बाद डायरेक्टली हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग लिविंग रूम में बैठी होती है और गुबई उसे टॉन्ट करता है कि अगर हम दूसरे के घर में सोते हैं तो हमें सोना भी ध्यान से चाहिए, वरना वो व्यक्ति हमारे रूम में कभी भी घुस सकता है। इसके बाद वो डायरेक्टली रोंग रोंग को अपना आईडी कार्ड दिखाता है और उससे कहता है कि तुम जो ढूंढ रही थी वो ये है। उससे कहता है कि मैं तुमसे झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगा, मैं एक हफ्ते के बाद 23 साल का हो जाऊंगा और मैं तुमसे शादी करने के लिए एलिजिबल भी हो जाऊंगा। तो इस पे रोंग रोंग कहती है कि ठीक है, मैं 7 दिन बाद तुमसे शादी करूंगी। इस पे गुबई भी मान जाता है। फिर रोंग रोंग उससे कहती है कि तब तक के लिए तुम्हें अगर पैसे की जरूरत पड़े तो तुम मुझसे ले सकते हो। तो इस पे गुबई उसके पैसे उससे वापस ट्रांसफर करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। तो इस पे वो उससे कहती है कि अरे दहेज समझ के रख लो, पर वो उसे इग्नोर करके वहां से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं अपनी शादी को लेके, और वो बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं कि ये 7 दिन कैसे बीत जाए। फिर फाइनली हमें दिखाया जाता है कि शादी वाला दिन आता है जहाँ पे वो दोनों ही सीक्रेटली अपनी मैरिज रजिस्टर करवाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुँचते हैं। फिर वो दोनों साथ में फोटो क्लिक कराते हैं और वो दोनों काफी एक्साइटेड होते हैं। फिर फाइनली वो दोनों मैरिज रजिस्टर कराने के बाद हाथों में हाथ डाले बाहर निकलते हैं, जहाँ पे रोंग रोंग को उसे ऑफिस से कॉल आता है और उसे अर्जेंटली एक मीटिंग में जाना पड़ता है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि मुझे जाना होगा मीटिंग में, तो मैं तुम्हें पहले कॉलेज ड्रॉप कर देती हूँ। तो इस पे गुबई उसे कहता है कि मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद चला जाऊंगा, तुम मीटिंग में चली जाओ। और फिर जब वो वहां से जाने लगती है तो गुबई उसे रोकता है और उसे कुछ देने वाला होता है, वो एक्चुअली में उसे रिंग देने वाला होता है, क्योंकि उन लोगों की आज शादी हुई थी और वो इसे यादगार बनाना चाहता था क्योंकि उसका बर्थडे भी आज ही था। पर इससे पहले कि वो उसे रिंग दे पाता और उसे कुछ कह पाता, उसके पहले ही रोंग रोंग उसे कहती है कि हम इस शादी को सीक्रेट रखेंगे जब तक तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट नहीं हो जाता है, ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सुनते ही गुबई का चेहरा उतर जाता है और वो काफी हर्ट फील करता है, क्योंकि वो ये चीज नहीं छुपाना चाहता था, पर फिर भी मन मार के वो कह देता है कि ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रोंग रोंग मीटिंग अटेंड करती है और उसका असिस्टेंट मीटिंग खत्म होने के बाद उससे पूछता है कि तुम्हारी मैरिज कैसी रही। तो वो उसे कहती है कि एक नंबर, और अभी मुझे जाना है कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि शिचन तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हारा ऑफिस में इंतजार कर रहा है। तो रोंग रोंग उसे कहती है कि वो उसे बाद में आके मिलेगी। फिर वो शॉपिंग करने के लिए चली जाती है, और यहीं दूसरी तरफ हमें गुबई को दिखाया जाता है जो कि घर में खाना वाना सब कुछ रेडी करके रखा होता है, क्योंकि उसे रोंग रोंग का मैसेज आता है कि वो आज घर जल्दी आ जाएगी। अब वो बेचारा डिनर तो रेडी करके रख लेता है, पर रोंग रोंग टाइम पे नहीं आती है क्योंकि वो शिचन से मिलने चली जाती है। यहाँ पे शिचन उसे कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात करने के लिए आता है, पर वो बिल्कुल भी उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, और यहाँ पे रोंग रोंग डायरेक्टली कह देती है शिनचैन से कि वो उसके अफेयर्स में इंटरफेयर ना करे, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो इस बिजनेस के इनकम को जरा सा भी शेयर करे अपने एक्स क्लासमेट के साथ। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि शिनचैन रोंग रोंग का एक्स क्लासमेट होता है। अब वो इसकी फैमिली में कैसे एंटर किया ये सब हमें बाद में पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है गुबई को, जो कि रोंग रोंग का वेट करते हुए थक जाता है और वहीं पे अपना होमवर्क करते हुए सो जाता है। फिर जब वो फाइनली जागता है तो रोंग रोंग उसके पास खड़ी हुई होती है और उसके मोबाइल में अपना नाम चेंज करके माय बॉस कर देती है। गुबई के जागने के बाद वो उससे पूछती है कि क्या ये सारा डिनर तुमने मेरे लिए बनाया है, और ये देखकर वो काफी खुश होती है क्योंकि उसने अपने घर में आज तक कुकिंग नहीं की हुई होती है, और क्योंकि काफी रात हो चुकी होती है तो गुबई उसे कहता है कि हाँ तुम इसे गर्म करके खा लो।
क्योंकि बेचारा काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गया था और रोंग रोंग के लेट आने पे। वो वहां से जाने लगता है तो रोंग रोंग उसका हाथ पकड़ के उसे रोकती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफी सारी चीजें लेके आई हूँ, और उसे दिखाना शुरू कर देती है। वो उसके लिए सारी मैचिंग की चीजें लाई होती है, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टॉवल वगैरह सब कुछ। और वो गुबई को बताती है कि उसने पर्सनली ये सब कुछ खरीदा है उसके लिए। ये देख के गुबई को काफी ज्यादा खुशी होती है और वो उससे पूछता है कि क्या तुमने खुद जाके खरीदा है ये सब कुछ। तो वो उसे बताती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने खुद सब कुछ पसंद किया है। इसके बाद वो उसे बाहर लेके आती है और दिखाती है कि मैं तुम्हारे लिए एक मैचिंग कप भी लेके आई हूँ। ये देख के गुबई काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद वो गुबई से कहती है कि मेरे पास एक और चीज है, तो तुम यहीं पे रुकना, मैं अभी आती हूँ। फिर रोंग रोंग के जाते ही लाइट सारी ऑफ हो जाती है और वो एक केक लेके एंटर करती है रूम में। और वो गुबई से कहती है कि आज हमारी मैरिज होने के साथ साथ तुम्हारा बर्थडे भी है, तो मैं ये सेलिब्रेट करना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, और क्योंकि अब ऑलमोस्ट 12 बजने ही वाली है तो उसके लिए सॉरी। और फिर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करती है उसके साथ, और ये सब कुछ देख के गुबई काफी इमोशनल हो जाता है। फिर वो उसे जल्द से जल्द विश मांगने के लिए कहती है क्योंकि 12 बजने ही वाले होते हैं। तो गुबई जो कि काफी ज्यादा इमोशनल होता है उस पॉइंट पे, उसे सडनली किस कर लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड